क्या हाल चाल है और उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छा और बढ़िया हो दोस्तों। आज के एपिसोड में आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद आप आपके डिवाइस के जो नेविगेशन बटन्स होते हैं वहाँ पर एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस मिल जाते हैं उनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली गाइस, अगर आपको नेविगेशन बार में एनिमेशन यूज करना है आपके डिवाइस पर तो यहाँ पे हमें एक ऐप यूज करना है। ऐप का लिंक जो है आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इस ऐप में क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो आपको सभी परमिशंस वगैरह इस ऐप में एक्सेप्ट कर लेनी है। ओवरले वगैरह परमिशंस आपको एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद में ऐप जब ओपन होता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। यहाँ से आपको इस ऐप को इनेबल कर लेना है। जैसे आप इस ऐप को इनेबल करते हो यहाँ से बाद में आप यहाँ से किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इन्फिनिटी वार का। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिंपली यहाँ पे रैंडम एनिमेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप रैंडम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो इनमें से कौन सा भी एनिमेशन यूज़ होता है, जब आपका नेविगेशन बटन्स यूज़ करते हो तो इनमें से कौन सा भी एनिमेशन आपके सामने फ्लैश होने वाला है सिंपली, तो आप यहाँ पे कुछ आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे है सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे हम एनिमेशन की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं 0.5x वगैरह। तो अगर इसको हम फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, सभी जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद में यहाँ पे प्ले एनिमेशन ऑन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है बोथ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो रिसेंट बटन पे जो है या फिर होम बटन पे। रिसेंट या फिर होम इनमें से आप कोई भी बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका एनिमेशन पॉपअप होगा सिंपली। तो आपके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपको एनिमेशन मिल जाते हैं, मल्टीपल सुपर हीरोज़ के एनिमेशन से आपको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली गाइस, अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो लिंक उसकी आपको मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे मैंने कमेंट को पिन किया है। सिंपली वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।